नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ एंड यू प्रेगनेंसी चैनल में। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब पोजीशंस के बारे में बात करेंगे जो कि आप शायद जाने अनजाने में करते हैं और जिससे शिशु के ऊपर दबाव पड़ता है। शिशु के लिए इस तरीके का दबाव बिल्कुल भी सही नहीं है। शिशु बहुत नाजुक होता है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। नंबर पहली गलती गर्भवती महिलाएं ये करती हैं कि वो अपने सोने की आदतों को बदलती नहीं है। कुछ गर्भवती महिलाओं को आदत होती है पेट के बल सोने की या फिर पीठ के बल सोने की, और ये दोनों ही आदतें बहुत ज़्यादा गलत हैं। अगर हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप पेट के बल सोते हैं तो आप बच्चे को दबा रहे होते हैं। हालांकि बच्चा गर्भ के अंदर एमनियोटिक थैली के अंदर होता है और एमनियोटिक थैली में जो एमनियोटिक फ्लूड होता है उससे बच्चे को सुरक्षा मिलती है। लेकिन अगर आप स्वयं ही अपने पेट को प्रेशराइज करेंगे तो वो जो दबाव है वो एमनियोटिक फ्लूड से भी होता हुआ बच्चे तक पहुंचता है और उससे बच्चे को तकलीफ होती है। साथ ही में ये एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आप बच्चे तक खून के प्रवाह को रोकते हैं और खून के प्रवाह से ही बच्चे को भोजन मिलता है, उसको जीने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। तो ऐसी स्थिति में जब आप लेटते हैं तो बच्चे को आप तकलीफ में डाल रहे होते हैं। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप पीठ के बल लेटते हैं तो वो भी बहुत हानिकारक सिचुएशन होती है। इस स्थिति में भी आप बच्चे के लिए ब्लड की सप्लाई को रोक रहे होते हैं। साथ ही में जब आप पीठ बल लेटते हैं तो बच्चे का पूरा भार, जो कि अंतिम समय में बहुत ज्यादा हो चुका होता है, वो आपके पीठ के ऊपर पड़ता है और जिससे कि आपको पीठ दर्द की समस्या होती है। तो दोस्तों, ये दोनों ही पोजीशन गलत होती हैं और अगर आपको इन पोजीशन में सोने की आदत है तो उसको आप बदल लीजिए। ये बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाती है। इस समय पे आपको करवट लेके सोना चाहिए। सबसे बढ़िया रहता है कि आप बाईं ओर करवट लेके सोएं, जिससे कि आपके शरीर के अंदर ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से हो, बच्चे तक संपूर्ण मात्रा में रक्त पहुंचे, उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो, उसके पास ऑक्सीजन भी अच्छी मात्रा में पहुंच रही हो और इससे फिर बच्चे का विकास में भी कोई बाधा नहीं आती है, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता है। हालांकि बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन में सोना भी संभव नहीं होता है। उसके लिए आप जब भी असहज महसूस करें तो आप अपनी पोजीशन को चेंज करके दाईं ओर करवट लेके सो जाएं। लेकिन ज्यादा आपको कोशिश यही करनी है कि आपको बाईं करवट लेके ही सोना है। बाईं करवट और दाईं करवट, इस तरीके से अगर आप सोते हैं तो बच्चे को गर्भ के अंदर कोई भी तकलीफ नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको कपड़ों का चुनाव भी सही करना है। मतलब कि गर्भावस्था में आपको एकदम ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, सूती वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आप बहुत टाइट वस्त्र पहनते हैं तो भी बच्चे के ऊपर एक दबाव आता है। पेट के ऊपर कुछ भी टाइट नहीं बांधना है। ऐसा पुराने समय में कहते थे कि अगर गर्भवती महिला अपने पेट को टाइटली बांधती है तो उसका निशान जो होता है बच्चे के शरीर में कहीं ना कहीं पे आ जाता है। हालांकि इस बात का कोई तथ्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो कपड़े पहनने चाहिए वो एकदम ढीले ढाले ही पहनने चाहिए। फिर गर्भवती महिलाएं कई बार ऐसी गलती भी करती हैं कि उठते समय और बैठते समय बिना किसी सपोर्ट के ये काम करती हैं या फिर बहुत जल्दबाजी में उठती हैं या बैठती हैं। ऐसे करने से भी, क्योंकि बैठते या फिर उठते समय आपके शरीर में जो एकदम से चेंज होता है उससे ब्लड फ्लो या तो फिर बाधित होता है या फिर एकदम से तेज होता है, और ये दोनों ही सिचुएशन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं होती है। इन सभी चीजों से बच्चे के ऊपर एक प्रेशर आता है, एक दबाव पड़ता है, जिससे बच्चा विचलित होता है, दिक्कत में आता है। तो दोस्तों, ये सब बातों का आप ख्याल रखिए, क्योंकि ये कुछ गलतियां हैं जो जाने अनजाने में गर्भवती करती हैं लेकिन दिक्कत गर्भ के अंदर बच्चा उठाता है। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।